नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन चोल राज्य का इतिहास, यानी जो प्राचीन कालीन चोल शासक हैं, यानी 1000 ईस्वी से पहले जो संगम कालीन चोल शासक माने जाते हैं, उससे संबंधित आज हम जानकारी प्रदान करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख चोल राज्य के शासक हुए। तो आइए शुरू करते हैं। चोल राज्य वर्तमान कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिरापल्ली एवं तंजोर के भू क्षेत्रों से परिवेष्टित था। नीलकंठ शास्त्री इस राज्य की सीमा पूर्वी समुद्र तट के पेन्नार नदी से लेकर पश्चिम में कुर्ग क्षेत्र तक मानते हैं। इसमें संभवतः तोंडमंडलम प्रेस भी सम्मिलित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर नगररिधि रत्तू, कालांतर में उरैयूर इसकी राजधानी बनाई गई। चोलों का प्रारंभिक उल्लेख पणिनिकृत अष्टधाई कात्यानकृत वार्तिकी महाभारत अशोक के शिलालेख धौली शिलालेख दो महावंश संगम साहित्य पुराण तथा पेरिप्लस के लेखों में आदि मिलता है। तालमी दो चोल राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें उत्तरी चोल राज अकार्ट तथा दक्षिणी चोल राज उरैयूर केंद्रों में शासित था। टी वी महालिंगम के अनुसार टालेमी द्वारा उद्दत अकार्ट की पहचान आधुनिक अराकाटू स्थल से की जा सकती है। इसी प्रकार उन्होंने उरैयूर नगर का समीकरण नेक पत्तम नामक स्थान से किया है, जो संप्रति कावेरी नदी के मुहाने से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर नगर था। संगम युगीन चोल राजवंश का प्रथम शासक उरप हप हेर्रे इलन जेत सेन्नी था। ये प्रथम शासक था। उसने राजधानी उरैयूर की स्थापना की। संभवतः उस समय चोल राज्य में तोंड मंडनम क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। उसने बेलीर वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य को सुरक्षित किया। संगम साहित्य के काव्यात्मक उल्लेखों में कई चोल शासकों का वर्णन मिलता है, परंतु उसके विषय में अन्य ऐतिहासिक सूचनाओं का नितांत अभाव है। उपयुक्त प्रारंभिक चोल नरेशों में सर्वाधिक शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण शासक कारिकल था। वह उरप हर्रे इलन जेत सेन्नी का पुत्र तथा महान योद्धा था। उसका बाल्यकाल विषम परिस्थितियों में बीता, क्योंकि उसके राज रोहण के पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। प्राण रक्षा के लिए उसने करूर नगर में शरण ली। कतिपय विद्वान उसके नाम की व्याख्या करते हुए यह प्रस्तावित करते हैं कि संभवतः वह बचपन में अग्नि से जल जाने के कारण लंगड़ा हो गया था। कारी कल शब्द की उक्त व्याख्या के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने इसका तात्पर्य कली को समाप्त करने वाला शत्रु रूपी गज के रूप लिए कालवत अथवा काली टांग वाला लगाया है। इनमें कौन सा अर्थ यथेष्ट है कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु संगम साहित्य में वर्णित उसकी सामरिक सफलताओं की यशोगाथा के आलोक में कारिकाल का तात्पर्य करी के समान शत्रुओं के लिए काल के समान पराक्रमी लगाना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। सुप्रसिद्ध संगम संग्रह पट्टिन्य प्याले नामक ग्रंथ में उसकी सफलताओं का काव्यात्मक उल्लेख मिलता है। पत्तुपाती नामक लंबी संगम कविताओं में उसके द्वारा बलपूर्वक चोल राज सिंहासन के अधिग्रहण तथा राजधानी कावेरी पत्तनित्तम पर अधिकार स्थापना का वर्णन मिलता है। कारिकल एक महान साम्राज्य विस्तारवादी नरेश था। उसने दक्षिण के सरांगण में दो महत्वपूर्ण संग्राम जीता। इन युद्धों में उसको अपने शत्रु राज्यों पांडे चेर तथा उनके समर्थक अन्य सामंत शासकों के विरुद्ध विजय प्राप्त हुई। संगम साहित्य में उसके इन युद्धों का अति रंजित परंतु रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। इन युद्धों के फलस्वरूप उसने बेलीर चेर पांडे तथा अनेक दूर दक्षिणी शासकों की पराजित करके चोल राज्यों की श्री वृद्धि की। उसका दूसरा उल्लेखनीय युद्ध वाह है पर रंदेल नामक स्थान पर पेन्नार घाटी के 9 छोटे छोटे शासकों की संघ शक्तियों के विरुद्ध था। उसने युक्त संघ शक्तियों को पराजित कर विपुल संपत्ति तथा
रत्ना नित्य के अतिरिक्त अनेक राजछत्रों को अपहत कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने इस अभियान में पेन्नार नदी के निचले काठे में रहने वाली अरुलावर जनजाति को भी पराजित किया। पट्टिन प्याले ग्रंथ में उसके द्वारा विजित राज्यों में एई नार उलियार अल्लावर तथा वडवर आदि को सम्मिलित किया गया है। टीवी महालिंगम का मत है कि इनमें एई नार उलिवार अरु अल्लावर तोंडमंडलम की लड़ाकू जनजातियाँ थीं। बवंडर संभवतः तमिल प्रदेश के बाहर रहने वाली जनजाति थी। कारिकल ने अपने बाहुल से संपूर्ण तमिल क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शिल्पाधिकार ग्रंथ के अनुसार उसने उत्तरी भारत के मगध अवंती तथा वज्र राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया। एस के आयंगर ने इस उल्लेख को न केवल प्रमाणिक एवं ऐतिहासिक सत्य माना है अपितु वज्र देश को बुंदेलखंड से समीकृत भी किया है। उसकी अन्य विजयों में श्रीलंका की विजय भी विशेष उल्लेखनीय है। संगम साहित्य के ब्यूरो से ज्ञात होता है कि उसने कावेरी नदी के मुहाने पर पुआर पत्तन का निर्माण कराकर वहां से लाए गए बंदियों को इस प्रकार नगर में बसाया था। उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। करिकाल को संगम युग का सबसे महान तथा पराक्रमी शासक माना जाता है। टीवी महालिंगम के अनुसार उसका शासनकाल 140 ईस्वी से 190 ईस्वी के मध्य प्रस्तावित किया जा सकता है। उसने अपने शासनकाल में अनेक उद्योग धंधों के विकास तथा वाणिज्य एवं व्यापार की वृद्धि में योगदान किया। पट्टिन प्याले के रचनाकार ने उसके शासनकाल में विकसित कृषि उद्योग तथा वाणिज्य की अभिवृद्धि का उल्लेख किया है। उसके शासनकाल में पठारी एवं जंगली क्षेत्रों में सफाई करके कृषक कर्मयुग भूमि को तैयार किया तथा वहाँ सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण कराया गया। अपनी सफलताओं के परिप्रेक्ष्य में उसने विविध यज्ञों का आयोजन किया। उसकी उपयुक्त उपलब्धियों के यशोगान में उसके प्रसिद्धियाँ लिखी गई। 11वीं-12वीं शताब्दियों के कतिपय अभिलेखों तथा साहित्यिक ग्रंथों में उसका गुणगान मिलता है। कारिकल के मृत्यु के बाद चोल सिंहासन के लिए नल गिनलिल तथा नेडू जेली राजकुमारों के बीच दीर्घकालीन युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध की विभीषा का काव्यात्मक वर्णन कोडूर किलार तथा अन्य संगम युगीन कवियों ने किया। एस के आयंगर के अनुसार कारिकल के उपरांत उसका पुत्र पौत नेड मुड किल्लित सिंहासन पर बैठा। उसने चोल राज के प्रतिद्वंदी चेरों तथा पांडवों को कारी चारू स्थान पर पराजित किया। उसके शासनकाल में कावेरी पट्टम का विनाश हुआ। नेड मुड किल्ली के उपरांत पल्लों एवं पांडवों ने समय समय पर अपनी शक्ति एवं प्रभुता की वृद्धि करके चोलों की अवशिष्ट शक्ति की गरिमाहीन कर दिया। ईसा की 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के अंतराल का चोल इतिहास लगभग अज्ञात एवं अस्पष्ट है, परंतु 9वीं शताब्दी ई के मध्य चोल शासक विजयालाल के कुशल नेतृत्व में उपयुक्त राज्य दक्षिण भारत में पुनः एक शक्ति केंद्र के रूप में उदित हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने ये प्राचीन संगमकालीन चोल शासकों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन कौन कौन से चोल शासक थे। तो मैंने यहाँ आपको पूरा चोल शासकों के पूरा इतिहास के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।